मेरा स्कूल है चारकोप सेक्टर 1 म्यूनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल कांदिवली वेस्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 का पार्ट 6 से 10 तक के। पहले हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 2 आपका पढ़ के हो चुका है कि उसमें क्या क्या आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उसकी। तो आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 3 मार्क्स के लिए आपको आता है। उसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं और आपको लिखने होते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो पूरे पेपर में मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि 4 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो रहता है उसमें ए और बी पार्ट होते हैं, सब क्वेश्चंस होते हैं 5 5 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए होता है, क्वेश्चन नंबर 2 बी होता है, जिसमें 4 और 6 मार्क्स का होता है। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको पूरे 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और कोई भी आपको 5 क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं, जबकि आपको दिए होते हैं 7 या 8 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसमें से आपको कोई भी जो आपको इजी लगे वैसे आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। और फिर चौथा क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स के लिए होता है, उसमें से कोई भी एक ही क्वेश्चन आपको लिखना होता है, मतलब उसका आंसर लिखना होता है। सिर्फ क्वेश्चन लिख के नहीं आना है बच्चों, और ये ध्यान में रखना है आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, मेरी पहली सूचना यही है सभी बच्चों को कि जो अपना टेक्स्ट बुक है वो लाइन टू लाइन अच्छे से आप लोगों का पढ़ के हो ही चुका होगा, पर फिर भी एक बार उसको रिवाइज करते समय आपको पूरा टेक्स्ट बुक पे ही ध्यान देना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ नहीं आता है पेपर में। तो टेक्स्ट बुक अगर आपने ध्यान से ठीक से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा होगा तो आप पेपर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो, और 40 मार्क्स में से आपको कम से कम 25 30 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। पर उस दिशा में आपको उसमें काम करना है और वैसे ही आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपको भी टेंशन नहीं आए और टेंशन फ्री पढ़ाई अपने को करनी है। तो जितने ही प्रैक्टिस पेपर्स आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं और उस तरीके से ही आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो होता है वो अटेम्प्ट करना जरूरी है, पूरा पेपर लिखना जरूरी है। और पेपर लिखने के लिए आपका उस तरीके से उसका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है। तो आप आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको 3 गुणों के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए आता है, और उसमें आपको कम से कम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते। तो आज हम देखने वाले 6 से 10 तक, मतलब प्राणियों का वर्गीकरण, पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की, कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, सामाजिक स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, ऐसे जो भी 5 पार्ट है उसमें से आपको जो 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी आज हमें प्रैक्टिस, या उनका सिर्फ मतलब अवलोकन करना है कि कैसे क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस इस प्रश्न में आ सकते हैं और किस तरीके से आपको उसका सराव या प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, अच्छे से सब क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप सही से और टाइमिंग के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि 3 मार्क्स के लिए भी है तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपका पूरा पेपर, जो 40 मार्क्स का पेपर है, साइंस 1 का 40, साइंस 2 का 40 मार्क्स का पेपर, ऐसे आपका पूरा पेपर अच्छे से 1.5 पौने 2 घंटे में ही आपका पेपर हो सकता है। तो उस तरीके से आपको तैयारी रखनी है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि पार्ट तो हम पूरे पूरा पार्ट तो हमें पढ़ना ही है, चाहे साइंस 1 है, चाहे साइंस 2 है, चाहे अदर विषय है, सबको पूरे पूरी बुक पढ़नी ही है अच्छे तरीके से। क्योंकि एकदम माइनर माइनर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अगर आप पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो उसमें है पहला जो पार्ट है प्राणियों का वर्गीकरण। तो आप प्राणियों का वर्गीकरण पार्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा, टीचर्स ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया भी है, तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके के जो प्राणी वर्ग है उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे कि प्राणियों का वर्गीकरण में टिप्पणी लिखो, तो सिलेंटर एटा निडार या प्राणी संघ, ऐसे बहुत सारे प्राणी संघ है, अखंड सखंड कृमि वाले,
ऐसे बहुत सारे जो प्राणी संघ है उस पे टिप्पणी लिखने को आ सकता है। तो टिप्पणी लिखना मतलब क्या होता है ये आप सबको पता है कि उसमें कैसे पॉइंट्स आने चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले सिर्फ हम फॉर्मेट कैसे रहता है और उसमें कौन से प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं ताकि आप उसकी तैयारी कर सको वो मैं बताने वाली हूँ। फिर आपको क्वेश्चन और उसके आंसर्स भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो सिलेंटर अट्टा और निडर या प्राणी संघ, सखंड कृमि संघ, ऐसे जो भी जितने भी प्राणी संघ है उसमें से कोई भी एक या दो पे आपको टिप्पणी वगैरह आ सकती है। उसके बाद है आकृति को नामांकित कीजिए। आकृति जो होती है मतलब आपको आपके बुक में जैसे कि प्राणियों के वर्गीकरण में बहुत सारी आकृतियां है, बहुत सारे चित्र, जितने भी प्राणी वर्ग है उतने सबके आपको वहां पे पिक्चर्स दिए हैं। तो आपको पिक्चर दिया जाएगा, चित्र दिया जाएगा, आकृति दी जाएगी और उसके से नाम लिखने को नहीं तो फिर आकृति बना के उसके नाम लिखने को आपको पूछा जाएगा। तो आपको वो भी अच्छे से, क्योंकि अगर डायग्राम आपके सामने है दिखता है तो ही आप उसके नाम अच्छे से नामांकित कर सकते हो। उसके बाद आता है तालिका पूर्ण कीजिए। मतलब जैसे रिक्त स्थान होता है और उसमें सिंगल पूछा जाता है तो आपको तालिका, तालिका मतलब पूरा जो चार्ट होता है ऐसे चार्ट के जैसे होता है जिसमें बाकी की चीजें दी रहती है और कुछ कुछ चीजें ब्लैंक रखी रहती है और उस आपको सिर्फ वही फिलअप करना है उसमें, तो उसी को कहते हैं तालिका पूर्ण कीजिए। मतलब तख्ता पूर्ण कीजिए, जैसे कि आपको आधी चीजें उसमें आधी माहिती दी रहेगी आधी आपको पूछी रहेगी तो उसमें से वो फिलअप करके आपको पूरा करना होता है। तो ये भी आपको 3 गुणों के लिए, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न मतलब जो 2-3 लाइन से ज्यादा हम लिखते हैं, जिसके जिसमें 6-7 पॉइंट्स आ सकते हैं। उत्तर पॉइंट से लिखोगे तो बहुत अच्छा रहता है, आपका प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है और फिर पेपर चेकिंग में भी आसानी होती है क्योंकि आप जितने भी पॉइंट्स, जितने भी मुद्दे आप लिखते हो उतने मुद्दे वहां पे बराबर से दिखते हैं और स्पष्ट तरीके से दिखते हैं ताकि परीक्षा जो पेपर चेकिंग करते हैं उनको भी फिर आसानी रहती है कि कैसे उसको ये करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ की 4 विशेषताएं लिखिए। तो कांटेदार त्वचा वाले जो भी प्राणी संघ है उसमें जो भी प्राणी आते हैं उनकी विशेषताएं क्या है, तो ऐसी 4 विशेषताएं आपको लिखनी होती है। तो 4 पूछिए तो आपको 5-6 अगर लिख दोगे तो कोई भी 4 आपकी सही, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है। तो उसमें से आपको कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ की 4 विशेषताओं के जगह पे आपको 5 या 6 लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो 4 विशेषताएं लिखो, ऐसे भी प्रश्न आपको 3 गुणों के लिए, 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। उसके बाद है आकृति निकालकर नामांकित कीजिए तथा वर्गीकरण करिए। ऐसे भी प्रश्न आते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे सिलेंडर आटा का सपोज एक एनिमल का चित्र दिया है आपको और उसके हिसाब से आपको पूछा है कि इसका वर्गीकरण कैसे होता है और ये नामांकित करना, मतलब आपको चित्र दिया है सिर्फ उसको आपको नामांकित करना है, मतलब क्या उसके विविध अंग जो होते हैं उनको नाम देना होता है। जैसे अगर मनुष्य की बॉडी का चित्र दिया है और उसके अंगों के नाम लिखने हो तो हम क्या करते हैं, सर के बल पे लिखते हैं सिर, फिर हाथ जहाँ पे होते हैं वहां पे हाथ, पैर जहाँ पे होते हैं वहां पे पैर, फिर ऐसे अंग, विविध अंग हम दिखाते हैं। वैसे ही वही आकृति में भी जो आपको आकृति दिया गया होगा उसी को आपको नामांकित करना है और फिर उसका वर्ग मतलब वो किस वर्ग में आता है, फिर उसका सब वर्ग कौन सा है, संवर्ग, वो पूरा उसकी जानकारी आपको लिखनी होती है। तो इस तरीके से प्राणियों का वर्गीकरण जो 6ठा पाठ है आपका उस पे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो सब क्वेश्चंस है जैसे टिप्पणी है, आकृति को नामांकित करना है, तालिका पूर्ण कीजिए है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है या आकृति निकाल कर नामांकित कीजिए तथा वर्गीकरण तो बाकी में नहीं आएगा, पर ये जो है ये सब क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 के कॉमन क्वेश्चंस है, मतलब उनमें ये सब प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी तरीके से आपको इसका प्रैक्टिस करना होता है। तो ये हो गया 6ठे पाठ का। वैसे देख आगे हम जाते हैं 7वें पाठ पे। 7वां पाठ है पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की। तो उसमें भी आपको टिप्पणी जैसे सिरका के ऊपर टिप्पणी आ सकती है, भूमि भरण स्थल जो है ये इसके डिटेल्स क्वेश्चंस आंसर्स में आपको दिखाने वाली हूँ। ऐसे आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ अभी।
तो सिरका है, मतलब जिसको विनेगर कहते हैं, उसके आप महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है उसको आप पढ़ सकते हो, और पॉइंट वाइज आपको अगर आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद है भूमिभरण स्थल, भूमिभरण स्थल पे भी आपको टिप्पणी आ सकती है। आकृति को नामांकित कीजिए, वो भी पार्ट जो है, इस पार्ट में आकृतियां है, सूक्ष्म जीव है, भूमिभरण स्थल है, ऐसी जो आकृतियां होती है बायोगैस संयंत्र वगैरह, ऐसी आकृतियां आपको नामांकित करने के लिए आ सकती है। मतलब आकृति दी रहेगी, उसके सब नाम, विविध अंगों के नाम आपको सिर्फ उसमें लिखने होते हैं। तो आप आकृति निकाल कर भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर 1 2 3 4 5 6 नंबर दे के भी अलग, क्योंकि वहां पे आकृति को नंबर दिए रहते हैं। 1 नंबर के अंगों को क्या कहते हैं, 2 नंबर के अंगों को क्या कहते हैं, ऐसे भी दिया रहता है। तो आप 1 लिख के उसके आगे उसका अंग का नाम लिख सकते हो। उसके बाद है तालिका पूर्ण कीजिए। तो जैसे मैंने छठे पाठ में बताया, वैसे ही सेम टू सेम सातवें पाठ में भी है, तालिका पूर्ण कीजिए। तो तालिका पूर्ण करना मतलब तख्ता पूरा करना है आपको, जो भी है वो तख्ता पूरा करेंगे तो फिर आपको पूरे 3 के 3 मार्क्स जो होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे ही है, तो थोड़ा बहुत अगर आप अच्छे से उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद इस पे भी आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न, मतलब सविस्तर लिखने वाले जो प्रश्न होते हैं, वो इस पे भी आते हैं, यही पाठ पे भी आते हैं। जैसे पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की है, तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के ऊपर कि किसका कार्य क्या है, वो क्या कार्य करता है, ऐसे भी प्रश्न आपको यहाँ इस पे आ सकते हैं। तो वो दीर्घोत्तरी या सविस्तर उत्तर लिखो, उसमें प्रश्न ही आता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपको पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की इसके ऊपर भी आएंगे। तो आप अगर इस तरीके से, जैसे तालिका पूर्ण कीजिए आता है, तो आप अगर 2 3 सैंपल उसके देख के रखोगे, उसके आंसर देख के रखोगे, तो समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन अगर आता है तो उसके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। उसके बाद है कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, इसपे भी टिप्पणी, जैसे क्लोनिंग, नील क्रांति है, ऐसी टिप्पणियां आती है, जैसे हरित क्रांति भी है इसमें, मतलब जो जो महत्वपूर्ण मुद्दे है उस पे टिप्पणियां आती है। तो इसीलिए बोली मैं कि जो टेक्स्ट बुक होता है अपना, वो आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो जो भी सूक्ष्म सूक्ष्म पार्ट्स होते हैं पार्ट के, वो टिप्पणी है इसमें आपको अच्छा लिखने के लिए प्रयास आप कर सकते हो। उसके बाद जो रिक्त स्थान है, मतलब तालिका पूर्ण कीजिए, ये जो पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है, वो इसमें एकदम छोटी छोटी चीजें लिखने थे, जैसे 2 शब्द वाले शब्द, 1 शब्द, ऐसे ही शब्द उसमें लिखने होते, बाकी कुछ लिखना नहीं होता है ज्यादा। पर तालिका पूर्ण कीजिए के लिए अगर आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आया है तो ही आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, और टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ोगे, स्वाध्याय अच्छे से करोगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये बात आप सब बच्चे ध्यान में रखिए। उसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, तो कोशिका विज्ञान, मूल कोशिका क्या है, उसका कार्य क्या है, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, उस पे भी टिप्पणी आ सकती है जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर। तो अभी अगर 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें कम से कम 8 9 मुद्दे आपको लिखने हैं, क्योंकि एक एक मुद्दे को भी अगर आधा या 1 मार्क्स भी पकड़ते तो 6 मुद्दों से ज्यादा ही मुद्दे आपको लिखने हैं, ताकि आपको 3 में से कम से कम 2.5 ऐसे मार्क्स मिले। और अगर आपके सभी मुद्दे सही है तो आपको 3 में से 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो बहुत आसान है आपको विज्ञान 2 का जो पेपर होता है वो लिखना, और 40 गुणों में से आप आराम से 30 क्रॉस कर सकते हो। पर अगर आपको सही दिशा में पढ़ाई करनी है, सही वक्त देके, और जो जो हम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं उस हिसाब से आपको सब देखना है। उसके बाद 9वां पाठ है अपना सामाजिक स्वास्थ्य। तो सामाजिक स्वास्थ्य से रिलेटेड अभी ये पार्ट, सभी जो भी पार्ट मैं बता रही हूँ वो पार्ट आपको पढ़ा के हो चुके हैं, और आपके भी पढ़ के हो चुके हैं। तो इसीलिए जो जो मुद्दे आपको ध्यान में आते हैं कि नहीं ये चीज टिप्पणी में आ सकती है, तो उस हिसाब से आपको टिप्पणी में उसकी तैयारी करनी है। ये चीज आकृति में आ सकती है, तो आकृति को नामांकित करके आप उसमें ये ले सकते हो, मतलब आकृति ध्यान में रख सकते हो कि ये आकृति आ सकती है, तो उस हिसाब से उसकी तैयारी आप कर सकते हो। तो ऐसे ही हर एक पाठ की अगर तैयारी आप करोगे तो बेझिझक करके आप
40 मार्क्स का जो पेपर है वो बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओगे। तो एक कॉमन क्वेश्चन है जैसे कि टिप्पणी, आकृति को नामांकित करना, आकृति दी है उसको नामांकित करना, या तो आकृति बनाकर नामांकित करना, उसके बाद तालिका पूर्ण करना, और दीर्घोत्तरी या सविस्तर प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो 3 गुणों के लिए आपको पूछे जाते हैं। तो 3 गुणों के लिए अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो उसमें लिखने का जो ये होता है, जैसे 1 या 2 लाइन में लिखोगे तो फिर 3 मार्क्स नहीं मिलते हैं, उसको आपको 5 या 6 मुद्दों में, पॉइंट्स में लिखोगे तो 6 या 7 पॉइंट्स आपको वहाँ पे उससे रिलेटेड लिखने हैं, ताकि आपको वहाँ पे अच्छे स्कोर आप कर सको। वैसे ही आपदा प्रबंधन जो 10वां पाठ है आप लोगों का, उसमें भी आपको टिप्पणी आकृति को नामांकित करना, क्योंकि जो साइंस 2 का जो भी पाठ है हर एक पाठ में आपको आकृतियां है, और उसमें तालिका पूर्ण कीजिए, ये भी क्वेश्चन हर एक पाठ में है। तो थोड़ा सा उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आप अगर बड़े क्वेश्चंस करते हो जैसे दीर्घोत्तरी प्रश्न अगर आप तैयार करते हो तो आपके छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके भी आंसर्स उसमें आपको मिल जाते हैं। तो आप अगर मुद्दे को लेके, अगर पॉइंट वाइज लेके अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई हो सकती है। और अभी तो रिवीजन आप लोगों का चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको जो क्वेरीज है, जो भी आपको हर एक पार्ट के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो लिख के रखो, ताकि टीचर से आप पूछ सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से 6ठे से लेके 10वें पाठ तक आपको क्या क्या आ सकता है, किस प्रकार का फॉर्मेट आपको आ सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, और उस प्रकार से ही आपको उस पार्ट के तरफ देखना है। जैसे आपदा प्रबंधन है, तो आपदा प्रबंधन में अगर आप समझ के चलो कि टिप्पणी में क्या आ सकता है, तो आपदा प्रबंधन ये जो शब्द है ये भी आपको टिप्पणी के लिए आ सकता है। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है, उसमें कैसे आपदा का प्रबंधन, आपदा मतलब समस्या जो भी है उसका प्रबंधन करना, मतलब उसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको ये जो है वो समझ लेना है, और उसके अधिक मतलब हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी है। जैसे आपदा प्रबंधन अधिकार या प्रबंधन कानून जो भी है उस पे भी आपको टिप्पणी आ सकती है। और इसमें आकृति जो होती है, जैसे आपको एक आध इंसिडेंट्स आपको वहां पे दिखाया जाता है और उस पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके भी आंसर्स आपको देने होते हैं, नहीं तो फिर पूछा जाता है कि इस आपदा को अगर आपको हल करना है तो आप क्या करोगी, आप क्या करोगे, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर करके आपको इस पार्ट से आने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे अगर किसी का अपघात हो रहा है रास्ते पे और आप सामने हो, अपघात हुए व्यक्ति से आप कैसे बिहेव करोगे, उसका आप क्या करोगे, उसको कैसे आप संभालोगे, वो सब पॉइंट्स फिर उसमें आ सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन ये जो पार्ट है उसमें आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है उसपे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर करके वो और आकृति वाले ये प्रश्न इसमें से ज्यादा करके आ सकते हैं। तो आप जो 6ठे पाठ से लेके 10वें पाठ तक मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि कैसे कैसे हर एक पाठ के ऊपर टिप्पणी, आकृति, तालिका, दीर्घोत्तरी प्रश्न, आकृति निकाल कर उसका वर्गीकरण करना, ये तो 6ठे पाठ से रिलेटेड है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको 3 गुणों के लिए आ सकते हैं। तो 3 गुणों के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो इन सभी प्रश्नों की तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी होगी। और फिर उसके बाद हम देखने वाले अभी कि प्रश्न कैसे आपको लिखना है। तो आपको मतलब टिप्पणी लिखनी है तो आपको आपदा प्रबंधन कानून है या आपदा प्रबंधन प्राधिकार है तो उसपे आप टिप्पणी कैसे लिखोगे, साइबर अपराध है, व्यसनाधीनता है तो उसपे आप टिप्पणी कैसे लिखोगे। तो एक एक पीडीएफ मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो उसमें आपको पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप सभी बच्चों को पता चले कि कैसे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं। सर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? हेलो, हेलो जयकर सर, इसमें दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? तो जैसे सिलेंटर अटा या निडार या प्राणी संघ है, उसमें
आपको टिप्पणी अगर आती है तो आपको कैसे उसका उत्तर लिखना है। तो अभी आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सिलेंटेराटा या निडारिया प्राणी संघ के प्राणी अधिकांशतः समुद्र जलवासी होते हैं। सिलेंटेराटा या निडारिया संघ के जो प्राणी होते हैं वो बहुतांश करके कहाँ पे होते हैं? समुद्र जलवासी होते हैं, या कुछ प्राणी मीठे जल में रहने वाले होते हैं। और उसके बाद है इनके शरीर का आकार जो होता है वो दंडाकृति होता है। दंडाकृति मतलब अपना दंड जैसे दिखता है, हाथ का दंड सबको पता है, या छतरी के समान होता है। और इनका शरीर जो होता है द्विस्तरीय तथा आरीय सममितीय होता है। मतलब जो सिलेंटेराटा या प्राणी संघ है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण मुद्दे है वो ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। ज्यादा कुछ ये नहीं लिखना है, जो जो महत्वपूर्ण मुद्दे। अभी देखो 3 मार्क्स के लिए तो 5 और उदाहरण लेके ऐसे 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। तो ऐसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं आपके शब्द में, नहीं तो फिर जो महत्वपूर्ण शब्द है उसमें आपको पढ़ना है और वैसे ही लिखना है। जैसे दंडाकृति शरीर होने पर बहुशुंड और छतरी के समान आकार होता है, तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे सिलेंटेराटा से दिखने वाले मतलब समझने वाले पॉइंट्स आपको वहां पे लिखने हैं। और मेन बात है कि टिप्पणी या कुछ भी आप अगर प्राणी वर्गीकरण से रिलेटेड लिखते हो तो आपको उदाहरण देना जरूरी है, क्योंकि आप बोलोगे कि वहां पे तो उदाहरण लिखो, ऐसे लिखा नहीं होता है। पर आप जब भी कोई टिप्पणी लिखते हो तो उस पे आपको उदाहरण देने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे सिलेंटेराटा में कौन से प्राणी आते हैं, तो जैसे जलव्याल है मतलब जिसको हम हाइड्रा कहते हैं, पोरोलस है, सी एनिमोन है, फाइसेलिया जेलीफिश है, वो सब प्राणी सिलेंटेराटा में आते हैं। और उसके बाद है निडारिया संघ जो है उसके प्राणी दंश पेशियों का उपयोग स्वयं के संरक्षण के लिए करते हैं। और इसी प्रकार दंश पेशियां भक्षों के शरीर में विष का अंतक्षेपण भी करती है, और यह इस संघ के प्राणियों की विशेषता है। तो निडारिया संघ जो भी है मतलब सिलेंटेराटा या निडारे, उसी को सिलेंटेराटा या निडारिया कहते हैं। तो उसमें जलव्याल, कोरलस, सी एनिमोन, पोर्तुगीज, तो ऐसी आकृतियां आपको सिर्फ सामने भी रखोगे तो भी उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना आपका तो ध्यान में आ जाता है, और उसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं। अगर आपको ऑन द स्पॉट नहीं वहां पे ध्यान में आ रहा है और सिर्फ आकृति आपको ध्यान में आ रही है तो आप वो भी वहां पे बता सकते हो। तो दंडाकृति शरीर होने पर बहुशुंडक और छतरी के आकार का शरीर होने पर उसको छतरी का भी कहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे आप उसमें लिख के ये टिप्पणी आप पूरा कर सकते हो। उसके बाद है सूक्ष्म जीव विज्ञान के ऊपर अगर देखा जाए तो जैसे योगर्ट है, चीज प्रोडक्शन है, और ऐसे मुद्दों पे भी आपको टिप्पणी आ सकती है। जैसे योगर्ट मतलब जिससे हम एक दुग्धजन्य उत्पाद है, औद्योगिक पद्धति से योगर्ट का उत्पादन करते समय दूध में प्रथिन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध पाउडर मिश्रित करते हैं, तत्पश्चात इस दूध का किण्वन कराया जाता है। तो योगर्ट कैसे बनता है, उत्पादन मतलब क्या, वो कैसे उत्पादित होता है, वो बनता कैसे है, तो आपको पूरा जो भी है उसमें लिखना है। तो अभी देखो टिप्पणी अगर लिखनी है तो पूरे 8 मुद्दे यहाँ पे दिए, तो कम से कम आपको 6-7 इसमें से लिखने हैं। तो ये मुद्दे आपको कहाँ से, अपने टेक्स्ट बुक में से ही ये मुद्दे है, ना कि बाहर से किधर से नहीं लाए गए हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी सूचना दी है कि अगर आपका टेक्स्ट बुक जो पढ़ने वाली बुक है आपकी वो अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो आपको हर एक मुद्दे का उत्तर लिखने का बहुत आसानी रहेगी। दूध को उबाला जाता है, फिर उसका पूरा प्रोसेस दिया है कि कैसे उबाला जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसमें एक एक के अनुपात में स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस या जिसको हम दही के जैसे बोलते हैं वो उसमें डाला जाता है, लैक्टोबैसिलस डेल ब्रुकी मतलब जिसमें वो जीवाणु होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव की पढ़ाई करनी है तो सूक्ष्म जीव अगर उसमें बनेंगे तो ही योगर्ट बनने वाला है, तो उसके लिए आपको वो डालने की आवश्यकता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकॉकस दूध के लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण लैक्टिक आम्ल के रूप में करते हैं, और उसका फिर जेल बनता है और फिर दही गाढ़ी
हो जाती है, फिर दही बनता है। तो दही कैसे बनता है, पहले देखो तो पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि दूध रहता है, और फिर उसमें हम बाद में छोटा सा थोड़ा सा क्वांटिटी में दही डालते हैं, और फिर वो पूरा दूध जो होता है उसमें वो सूक्ष्म जीव फैल जाते हैं, और पूरा एकदम गाढ़ा तरीके का दही वहां पे अपने को मिलता है। तो योगर्ट में फलों का रस इत्यादि मिलाकर विविध स्वाद निर्मित किए जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी योगर्ट होता है, बनाना योगर्ट होता है, तो उसमें आप वो पदार्थ भी मिक्स करके आप उसको बना सकते हो। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं योगर्ट से रिलेटेड, फिर आपको वैसे ही आपको वहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद है चीज या पनीर का निर्माण कैसे होता है, ऐसी टिप्पणियां इस पाठ से आ सकती है। तो उस सिरका है जो मैंने अभी पीपीटी में भी आपको दिखाया कि सिरका सिरका जो है उसको आप कैसे मतलब ये दिखा सकते हो, टिप्पणी के ऊपर अगर आता है तो कैसे आप उसके ऊपर टिप्पणी लिख सकते हो। सिरका एक प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों का परिरक्षक है, मतलब अगर किसी खाद्य पदार्थों में अगर कुछ मिलावट है ऐसे भी अगर चेक करना होता है ना, तो कभी कभी सिरका का यूज वहां पे किया जाता है। खाद्य पदार्थों में खट्टापन उत्पन्न करने के लिए सिरका का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अचार, सॉस, केचप, ये पदार्थ रहने के लिए मतलब बहुत देर तक अगर उनको आपको स्टोर करके रखना है, टिकाऊ बनाने के लिए आपको उसका इस्तेमाल हम वहां पे कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से सिरका 4% 4% एसिटिक अम्ल है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक कवक की सहायता से फलों का रस, मेपल सिरप, शक्कर के कारखानों के गन्ने का छोटा, मतलब शक्कर के कारखानों में जो गन्ना के से शुगर बनता है, शक्कर बनता है, वो सभी को पता है, और उसका जो छोटा बचता है उसमें उसके बाद जड़ों का स्टार्च इत्यादि कार्बनिक पदार्थ का किण्वन करके इथेनॉल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे ही इथेनॉल में एसिटोबैक्टर प्रजाति के जीवाणु और ग्लूकोनोबैक्टर जीवाणु का मिश्रण मिलाकर इथेनॉल का सूक्ष्म जैविक विघटन किया जाता है। मतलब कोई भी अगर पदार्थ है या कोई चीज है उस पर अगर आपको टिप्पणी लिखने आता है तो उस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको डिटेल में पॉइंट वाइज अगर लिखनी है, जैसे यहाँ पे दिया है देखो 4-5 पॉइंट दिए हैं, तो ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, और मतलब जब पेपर चेकिंग या कोई भी पेपर देखता है अपना तो वहाँ पे उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं बच्चे को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया है, और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से मुद्दों के अनुसार पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो इस प्रकार से अगर आप पेपर लिखते हो, टिप्पणी इस प्रकार से भी लिखते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपका पेपर इम्प्रेशन उस पे आता है। उसके बाद भूमिभरण स्थल भी एक लिया था हमने, लैंड फिलिंग। तो लैंड फिलिंग क्या होता है, भूमिभरण स्थल क्या होता है, पहले तो उसकी परिभाषा आपको वहां पे लिखनी है, और उसके बाद उसमें जो जो प्रोसेस किया जाता है, जैसे गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसमें प्लास्टिक की चादर बिछाते हैं, फिर ऊपर से उसको ढक देते हैं, और अशुद्ध द्रव वैशेली द्रव्य से उसके रिसाव में होने वाली मिट्टी किसके प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हाँ नहीं भूमिवरण करना है तो सिर्फ खड्डा बना दिया और उसमें सब चीजें डालते गए तो ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर वो जमीन खराब हो जाएगी, जिस जमीन में आपने भूमिवरण किया है उसमें भी वो केमिकल्स जाएंगे, इसे इसीलिए वहां पे एक प्लास्टिक का जो कपड़ा होता है या प्लास्टिक की जो चादर होती है थैली की जैसी, वो पूरा बिछाया जाता है पूरे इसमें, और फिर उसमें ये किया जाता है। और कुछ स्थानों पर इसमें बायोरिएक्टर भी मिलाए जाते हैं ताकि सूक्ष्म जीव का काम ही वही है कि विघटन करना, विघटन अगर उस चीज का नहीं होता है तो वो चीज वैसी की वैसी पड़े रहेगी, इसीलिए प्लास्टिक पे बैन है, क्यों, क्योंकि उसका विघटन ही नहीं होता है, वो जैसे आप मिट्टी में छोड़ती रहोगे वैसे ही आपको सालों वर्षों बाद मिलेगा, इसीलिए उसका विघटन नहीं होता है और फिर पोल्यूशन बढ़ता है, इसीलिए हमें कोई भी जो चीजें यूज करनी है वो जिसका विघटन हो ऐसी ही चीजें आपको यूज करनी है। गड्ढा पूरा भरने के बाद उसे मिट्टी में लिपट कर फिर जो जो प्रकार वहां पे प्रोसेसिंग होता है वो पूरा आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है कोशिका विज्ञान एवं उद्योग जैव प्रौद्योगिकी पे भी मैंने बोला कि मूल कोशिका का उपयोग कैसे होता है, ये सब टिप्पणियां हैं, और टिप्पणियां आपको बहुत अच्छी तरीके से अगर लिखी आप लोगों ने तो ऐसे अगर मुद्दे वाइज या पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको
ढाई या तीन मार्क्स उसमें मिल सकते हैं, कम से कम दो के ऊपर ही मार्क्स आपको मिल सकते हैं। पर आपको मुद्दे से लिखना है, उस विषय से रिलेटेड ही आपको सब माहिती वहाँ पे लिखनी होती है। जैसे मूल औषधि वनस्पति का महत्व क्या है, अगर आपको कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पेपर सामने आता है और हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अरे इसमें क्या मैंने तो पढ़ा था वो तो मैं भूल गया, तो ऐसे कुछ नहीं होता है जो आपको हेडिंग, इसीलिए प्रश्न पत्रिका जो आती है आपके हाथ में उसको पहले बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। अगर उसको ही आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि अरे इस प्रश्न में ऐसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जैसे औषधि वनस्पति का महत्व अगर आपको पूछा गया तो औषधि वनस्पति क्या होती है सभी को पता है। अगर ये मुद्दा आपने पुस्तक में भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको ध्यान में आता है कि औषधि वनस्पति आयुर्वेद में उसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके रोग मुक्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, भारत के पास आयुर्वेदिक वनस्पतियां बहुत सारी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े जंगल्स है उसमें बहुत ऐसी वनस्पतियां हैं जो कि आयुर्वेदिक है। मतलब कोई भी बीमारी के ऊपर, कोई भी रोग मुक्ति के लिए हम उसका यूज करते हैं। अभी भी हम कोरोना काल में देखो बहुत सारी जो औषधि वनस्पतियां है, जैसे तुलसी है, ज्येष्ठ मध या अडुलसा है, ऐसे अलग अलग वनस्पतियों का काढ़ा बना बना के पी रहे, क्योंकि हमें इम्यूनिटी पावर बूस्ट करना है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना है अपने शरीर का। अगर इम्यूनिटी हम बढ़ाते हैं तो कोई भी रोग अपने से दूर रहता है। ये बहुत पुराने, मतलब आयुर्वेद ये बहुत पुराने यहाँ से चल के आ रहा है। जैसे ऋषि मुनि होके गए वो लोग भी इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज बता के गए हैं, और वही औषधियाँ भी हम आज भी यूज करते हैं ताकि हमें, हमारे शरीर को और हमारे समाज को बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाना है। तो ऐसे जो भी आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक का एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि उसका दुष्प्रभाव जो होता है, मतलब साइड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, जो एलोपैथी से कम इसमें होता है, क्योंकि जो दवाइयां हम लेते हैं, जो टैबलेट्स हम लेते हैं, उसका ज्यादातर करके इफेक्ट अपने शरीर पर होता है, पर आयुर्वेदिक अगर हम कुछ लेते हैं तो उसका इफेक्ट कितना, बहुत कम अपने को होता है। समझ में आ रहा है? तो आयुर्वेदिक वनस्पति का अगर हम देखते हैं तो कैसे उसका उपयोग हम कर सकते हैं और कैसे हम उसका इस्तेमाल अपने दैनंदिन जीवन में कर सकते हैं, ये भी मुद्दे आप इसमें लिख सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से टिप्पणी आप लिख सकते हो। उसके बाद है नील क्रांति। नील क्रांति, हरित क्रांति, ये भी सब आपको 8वें पाठ में मिलेगा। तो नील क्रांति किससे रिलेटेड है? नील क्रांति अगर आता है तो फिर क्या है उसमें, मतलब जैसे हरित क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? खेतों से रिलेटेड है। तो उस समय से मतलब हम उसको ये कर सकते हैं, जैसे नील क्रांति ये मत्स्य खेती से रिलेटेड है, तो मत्स्य खेती के वही मुद्दे फिर हमारे दिमाग में तुरंत आते हैं कि अरे नहीं, नील क्रांति में हमें मत्स्य से लेके, मतलब मछलियों से लेके आपको रिलेटेड लिखना है। तो मत्स्य खेती जो है एक समुद्र के माध्यम से या मीठे पानी की खाद्य मछलियां और अन्य सजीव का कृत्रिम स्वरूप से उत्पादन करना ही नील क्रांति कहलाता है। तो मतलब कोई भी अगर टिप्पणी आपको आती है तो पहले आपको उसकी परिभाषा लिखनी होती है। पहला मुद्दा जो होता है वो क्या होती है? परिभाषा लिखनी होती है। फिर उसके बाद लिखोगे उसमें उसका यूज कहाँ पे हम करते हैं, उसका उपयोग कहाँ पे होता है, और अगर थोड़े बहुत उसके साइड इफेक्ट भी है तो वो लास्ट में आप लिख सकते हो। और उसके बाद आपको उदाहरण लिखने, जैसे रोहू कटला जैसी मीठे पानी में रहने वाली मछलियां तथा झींगे जैसे खारे पानी में रहने वाली मछलियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर नील क्रांति के तौर पर किया गया है, और सांप केकड़ा इत्यादि का भी उत्पादन हम इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सब जैविक और अजैविक घटक जो भी है आपके पुस्तक में भी आपको दिए गए हैं, और उसी पे अपना पर्यावरण निर्भर है। तो अगर पर्यावरण, समाज को, अपने को ये करना है तो सब प्रजातियों को भी हमें संभालना है, ना कि उनको नष्ट होने देना है। इसीलिए नील क्रांति, हरित क्रांति का ये कर किया गया है। उसके बाद है नौवा पाठ जो है उसमें साइबर अपराध, इस पे भी एक टिप्पणी आ सकती है। तो आप सभी लोगों को अभी तो पता ही है साइबर मतलब मोबाइल या इंटरनेट से रिलेटेड होता है। तो मोबाइल फोन पर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी नहीं देना चाहिए। किसी व्यक्ति की बैंक संबंधित व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके कोई दूसरा व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल करके
वो लूट सकता है, इसीलिए उसको साइबर अपराध कहलाता है। तो कोई भी, मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर टिप्पणी आप लोगों को लिखनी है तो पहला मुद्दा तो उसकी परिभाषा ही आपको लिखनी है, बाद में उससे रिलेटेड जो भी मुद्दे आते हैं वो लिखना है। जैसे साइबर अपराध अगर टिप्पणी आती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, सब लोग टीवी न्यूज सब देखते हो, तो उसमें पता चलता है कि साइबर अपराध किसे कहा जाता है। तो आपको अगर ऐसे लाइन टू लाइन नहीं ये होता तो आपके शब्दों में भी आप लिख सकते हो, पर उसका जो अर्थ होता है वो समझ में आना चाहिए, ऐसे ही आपको भाषा वहां पे यूज करनी है। तो प्रश्न लिखते समय जो भी हम उत्तर उसका लिखते हैं तो पॉइंट अनुसार लिखो और उसके मुद्दों के अनुसार आपको लिखना है। उसके बाद है आपदा प्रबंधन। मैंने बताया आपको कि कैसे आपदा का प्रबंधन करना होता है और फिर कैसे आपको उस पे ये लिखना होता है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है तो उसमें प्रशासकीय स्तर पर इसका कार्य होता है, और फिर आप जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की आपदाओं का नियंत्रण हम इसमें कर सकते हैं। मतलब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या काम करता है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है, पहले तो उसकी परिभाषा लिखो और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो लिखनी है। समझ में आया? तो राष्ट्रीय और जिला राष्ट्रीय स्तर पर या ग्राम स्तर पर आपको ये करना है, और फिर तहसील स्तर पर कैसे कैसे इसका ये होता है यही आपको मतलब इसमें लिखना होता है। और फिर आपदा प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिला अधिकारी उत्तरदायी होता है, क्योंकि जिला अधिकारी मेन होता है, वो पूरे जिले का आपदा प्रबंधन कर सकता है। कि पर उसको पहले तो आपदा पता होनी चाहिए और फिर उस तरीके से उसका भौगोलिक निरीक्षण करते हुए, उसका सामाजिक निरीक्षण करते हुए वो कैसे आपदा का प्रबंधन करते हैं वो उसमें बताया जाता है। तो आपदा प्रबंधन को यही किया जाता है कि प्राधिकरण में क्या उसका उपयोग है, मतलब प्राधिकरण में वो क्या करते हैं, तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब क्या होता है और उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सब मुद्दों का आपको इस टिप्पणी में ये करना है, लिखना है, जानकारी देनी है। उसके बाद मैंने आपको एक ये भी बताया कि जो चार्ट होता है, तालिका जो होती है वो कैसे पूरी करते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको सजीव आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की सब दिया है, और उसमें आपको जगत मोनेरा जैसे कि उसको छोड़ दिया रहेगा, एक कोई तो भी ब्लैंक रहेगा, जैसे जिस जिसको अंडरलाइन किया है ना वो चीजें ब्लैंक है, वो चीजें ब्लैंक है और उस जगह पे आपको सिर्फ नाम लिखना है। तो आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की आपको दिया ही रहेगा, एक कोशिकीय सजीव भी दिया रहेगा, बहुकोशिकीय सजीव भी दिया रहेगा, सिर्फ आपको वहां पे जगत और प्रोटिस्टा जो देखो वहां पे अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि वो जगह खाली थी और वहां पे आपको उत्तर प्रोटिस्टा लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। तो ऐसे आपको 6 या 7 आपको रिक्त स्थल इसमें आ सकते हैं और उसको आपको लिख के सिर्फ वो चार्ट पूरा करना होता है। तो ऐसे ही चार्ट निकालना होता है आपको, डायग्राम अगर नहीं निकाली तो चलेगा, पर आपको पूरा चार्ट ऐसे ही निकालना होता है और जहां जहां जगह खाली है वहां पे आपको वो शब्द लिख के उसको अंडरलाइन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अधोरेखित अगर आपने किया नहीं है तो पेपर जब चेकिंग होता है तब उसको ढूंढना पड़ता है और फिर बाद में कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि इसने उत्तर क्या लिखा है। तो अगर अंडरलाइन करते हो तो आपको सब समझ में आता है कि स्वयंपोषी कहाँ लिखना है, परपोषी लिखा है, तो उसको फिर प्रोटिस्टा ये सब को आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद तालिका पूर्ण करो, ये देखो तालिका कैसे पूर्ण करनी है, ये मैंने आपको वहां पे सिर्फ क्वेश्चन बताया, फिर यहाँ पे आपको हल करके भी दिखाया है कि तालिका पूर्ण कैसे करनी है, उस उत्तर को अधोरेखित कैसे करना है। जैसे फल है, सहभागी सूक्ष्मजीव दिया है और पेय पदार्थ का नाम पूछा है, तो कभी आपको जो अंडरलाइन किए हुए शब्द दिख रहे हैं ना आपको, वो जगह ब्लैंक है, मतलब उसमें अभी उत्तर लिख के दिया है पर ऐसे ही आपको उत्तर लिख के उसको अंडरलाइन करना है। जैसे फल केफिया अरेबिका, उसमें सहभागी सूक्ष्म जीव कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस ब्रुइस, और पेय पदार्थ का नाम होता है काफी।
तो फल कौन सा है? केफी अरेबिका है, उसमें सहभागी सूक्ष्म जो पूछा गया तो उसमें लेक्टोबैसिलस ब्रुइस लिखना है और काफी आपको दिया है, तो पेय पदार्थ कौन सा है? काफी, और उसमें सूक्ष्म जो कौन सा होता है वो पूछा है और उसका फल पूछा है, तो आपको सिर्फ वही रिक्त स्थानों पे वही शब्द लिख के बताना है। समझ में आया? तो उस तरीके से ही तालिका पूर्ण करनी है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि तालिका कैसे पूर्ण करनी है। और एक उदाहरण है तालिका पूर्ण करने का, आपको इस प्रकार का जेंतन गोंद जो है उसपे भी अगर पूछा गया तो उससे रिलेटेड जो भी शब्द पूछे गए हैं वो सिर्फ आपको कंप्लीट करना है। मतलब सिर्फ आपको झेंतन गोंद ये शब्द दिया रहेगा और उससे रिलेटेड जो भी एक इसमें होता है टूथपेस्ट, रंग, खाद, अपतृणनाशक, कपड़ों के रंग में, उत्तम गुणवत्ता का कागज, उसमें आप ये तालिका पूरी कर सकते हो। तो फिर वैसे ही आपको पर्यावरणीय व्यवस्थापन के संबंधित भी आपको ये दिया गया है, तालिकाएं दी गई है, तो फिर आप उसको ये कर सकते हो। तालिका कैसे पूरा करना है ये आपको ध्यान में यहाँ पे आ सकता है। तो तालिका पूर्ण कीजिए, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी लाभ दिया है, नीचे दी गई तालिका पूर्ण कीजिए तो उसमें जैव प्रौद्योगिकी लाभ भी दिया है, तो उसके लाभ क्या क्या होते हैं ये मुद्दे आपको पता होने चाहिए। जैसे जैव प्रौद्योगिकी का लाभ मतलब क्या, उसका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, पर्यावरण आघात को सहन कर सकने वाली फसलों के लिए उसमें आप जैव प्रौद्योगिकी का उपचार लाभ ले सकते हैं, जनुकीय उपचार, पशु संवर्धन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस सब में जैसे खाद्य टीका, विभिन्न प्रकार के टीके, उनमें भी हम जैव प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको तालिका पूर्ण कीजिए, जो प्रश्न मैंने बताया था वो ऐसे आपको पूरा करना होता है। तो जो जो मेन मेन मुद्दे आपको ध्यान में रखने होते हैं वही सिर्फ शब्द इसमें लिखने होते हैं और आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते है। उसके बाद है सविस्तर उत्तर जो लिखते हैं हम, जैसे तिल चिट्टा किस संघ का प्राणी है, उत्तर सकारण स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो तिल चिट्टा एक संधिपाद संघ का एक प्राणी है, इसका समावेश कीटक वर्ग में किया जाता है। तिल चिट्टे का समावेश कहाँ पे किया जाता है? कीटक वर्ग में आता है, एक संधिपाद एक प्राणी है और ऐसे ही उससे रिलेटेड उसका शरीर काइटिन युक्त होता है, उसके शरीर में छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़कर बने हुए उपांग होते हैं, उसकी 3 जोड़ी की पैर होती है, ऐसे उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आप उसमें सकारण मतलब उसका कारण आपको वहां पे देना होता है। उसके बाद जो है आकृति बनाइए, आकृति दिया रहता है उसको आप नामांकन कर सकते हैं, तो नीचे दी गई आकृति को पहचान कर उनका उचित नामांकन करो। तो जो आकृति आपको दिया है वो है बेलेनोग्लॉसस, तो ऐसे इधर इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो खाली सिर्फ आकृति है, और आपको फिर ऐसे उस आकृति को निकाल कर उसके अंगों का नाम लिखना है, जैसे शुंड है, कालर है, प्रकांड है, वैसे ही हर्ड मानिया, मतलब आकृति को पहले पहचानना है आकृति किस चीज की है, बेलेनोग्लॉसस की है, तो आप उत्तर लिखोगे आकृति का नाम बेलेनोग्लॉसस, और फिर नीचे आकृति निकालनी है और उसके बाद आपको उसके नाम लिखने हैं, जैसे कि ऊपरी अंग को शुंड कहते हैं, फिर कालर कहते हैं, फिर प्रकांड कहते हैं, ऐसे 3 नाम और आकृति, ऐसे मिला के आपको 3 गुण मिल सकते हैं। उसके बाद है हर्ड मानिया, तो ऐसे अगर आप डायग्राम्स भी सामने रखोगे, क्योंकि छोटे छोटे डायग्राम्स बना के आप अपने घर में रख सकते हो, मतलब चित्र चिपका सकते हो, तो भी आपको ध्यान में आ जाए कि इस डायग्राम को क्या करना है। समझ में आए? तो बेलेनोग्लॉसस, हर्ड मानिया, एम्फीऑक्सस, ऐसे अलग अलग प्रजातियों के जो प्राणी है, पक्षी है, उनकी डायग्राम्स आपको आ सकती है और आप उसमें अच्छे तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद है आकृति बनाओ, ये देखो आधुनिक भूमिवरण स्थल का भी आकृति यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कैसे उसमें नामांकन उसका करना है। और उसके बाद है मूल कोशिका, उसके विविध अंग, और जो आपदा प्रबंधन में मैंने बताया था कि उसमें बहुत सारी आपदाएं आ सकती है, उसके चिन्हों का भी आपको आकृति आ सकती है कि ये चिन्ह पहचानिए किस आपदा का है और उससे रिलेटेड आपदा को आपको कैसे हल करना है उसका स्पष्टीकरण दीजिए कि ये चिन्ह किसके लिए यूज होता है, जैसे कि प्रकोपक है, विषैला अगर होता है तो ऐसे वो कंकाल का एक साइन वहां पे आता है, तो ऐसे साइंस भी आपको ध्यान में रखने होते हैं।
उसके बाद आपको एक आपदा का चित्र दिया गया है और उसका प्रबंधन आप लोग कैसे करते हो, तो उस तरीके से आपको फिर वो चीज उसमें लिखी, मतलब लिखना होता है कि कैसे आप आपदा आपदा का प्रबंधन कर सकते हो, मतलब उसको आप कैसे रोक सकते हो, उसको किस प्रकार का आपदा होती है और उसकी आपदा का नाम लिखना है और फिर उसके बाद उसकी सब डिटेल्स आपको वहां पे लिखनी होती है। उसके बाद एक कांटेदार त्वचा, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था कि कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ की 4 विशेषताएं लिखो, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 अगर पूछी जाती तो आपको 5-6-7 आप लिखो, ताकि आपको और आपका इम्प्रेशन भी वहां पे ये आए, और जो जो कभी कभार अगर एक आध मुद्दा गलत होता है तो उसपे भी आपको वहां पे काउंटिंग हो जाता है। उसके बाद उदाहरण लिखना भूलना नहीं है, कोई भी अगर प्राणी संघ की आपको टिप्पणी या सविस्तर उत्तर या ऐसे आता है तो उसमें उदाहरण देना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे भी बताया गया है सितारा मछली, सी आर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर इत्यादि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप वहाँ पे दे सकते हो। कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ से रिलेटेड जो भी मुद्दे है वो आप उसमें लिख सकते हो। उसके बाद है बेकर्स ईस्ट के उपयोग के लिए प्रोबायोटिक्स उत्पाद लोकप्रिय होने का क्या कारण है, उससे रिलेटेड भी 6-7-8 पॉइंट आपको लिखने हैं। फिर जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर टीकाकरण किसे कहते हैं यह स्पष्ट कीजिए, तो आप बोलो टीकाकरण किसे कहते हैं, तो पहले उसकी परिभाषा लिखना बहुत आवश्यक है और फिर उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जैसे रोग जंतुओं का उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं, वैज्ञानिक उसका इस्तेमाल करते हैं एंटीजन बनाने के लिए, तो ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी होती है। और फिर एक है कि इंटरनेट मोबाइल फोन से हमेशा संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों में कौन कौन से बदलाव होते हैं, वो तो हम जो बच्चे ज्यादा मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है वो मानसिक शारीरिक या सामाजिक समस्याओं का आपको यहाँ पे विवरण देना जरूरी है कि अगर संगणक या इंटरनेट या मोबाइल हम लोग ज्यादा देर तक यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते तो उससे निकलने वाली जो विकिरण होती है, ये जैसे महत्वपूर्ण शब्द है उनका वहाँ पे विवरण होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे विकिरण से थकान, सिरदर्द, निद्रा नाश ऐसे शब्द उसमें आने ही चाहिए, तभी आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो भी है टिप्पणी है, आकृति पूर्ण कीजिए है, ऐसे बहुत सारे जो ये होते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको पीपीटी में भी दिखाया था कि कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और वो सब प्रकार के क्वेश्चन हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप हम ये करते हैं पढ़ाई का, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन आप कर सकते हो। तो तालिका में क्या लिखना है, दीर्घोत्तरी में क्या लिखना है, टिप्पणी में कैसे मुद्दे लिखने हैं, वो मैंने अभी आपको बताया गया है, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है और बहुत अच्छे तरीके से आपको पेपर लिखना आवश्यक है और आप लिख सकते हो। सभी को ऑल द बेस्ट, और ये प्रश्न की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इसको सुन के लिया लेक्चर, और एक क्वेश्चन की तैयारी आपको इस तरीके से हर एक पार्ट के ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट्स है? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? किसी को किसी मुद्दे पर डाउट्स है तो आप बच्चे पूछ सकते हो। हेलो, मेरी आवाज सभी को आ रही है? हेलो जयकर सर, आपको मुद्दा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। किसी को किसी मुद्दे पर अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो।
जयकर सर आवाज आ रही मेरी? हेलो 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 सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेक्चर ये सब पॉइंट्स बता के हो गए बच्चों को? किसी बच्चे को कुछ डाउट्स है? हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको?